सो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि राजू भाई ऐसा बोल रहे थे कि मैं कल से कंटिन्यू पूरे दिन वर्क करूँगा, यहाँ पे काम करूँगा। उसके बाद आए ही नहीं, बाद में बोल रहे कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये काम, राजू भाई ने ऐसा बोला। एंड राजू भाई आते थे शाम को 6 बजे 5:30 बजे एंड काम करते थे रात को 10 बजे तक 10:30 बजे तक। यहाँ पे क्या होता है कि शाम को कुछ चीज़ें नहीं मिलती। अभी चलो हमने काम स्टार्ट किया 6 बजे एंड कुछ चीज़ लेने को रहा, क्योंकि हम गाड़ी मॉडिफाइड कर रहे हैं, हाथ से कुछ चीज़ लाने को रहा। एंड मार्केट तो 7-8 बजे बंद हो जाएगा, तो रात को कहाँ से लाएंगे सामान? इसके लिए काम वहीं पे स्टॉप कर देना पड़ता है। ऐसा हर रोज़ होता है, इसके लिए छोटा छोटा काम होता है, कभी कभी ये लगता है, कभी कभी वो लगता है, बट प्रॉपर काम नहीं हो पाता। तो मैंने इसलिए बताया था कि फुल डे आओ, जितना होता है उतना मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। बट क्या होता है कि आपको पता है कि मैंने काम स्टार्ट किया 17-18 दिन हो गए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसमें से राजू भाई 8 दिन ही आए थे, मतलब 1 महीने में 15 दिन नहीं आए, ऐसा होता है। एंड फुल डे की सैलरी देनी पड़ती है, ऐसा होता है, ऐसा बोल रहे थे। मैंने बोला ऐसे कैसे, फुल डे काम करो तो अच्छा रहता है, बट फुल डे के लिए मना कर रहे थे, शाम को ही बोल रहे थे। एंड मैं वीडियो नहीं बना सकता था, एंड छोटा छोटा काम आपको मैं बार बार दिखाऊँ एंड आप लोग बोर हो, वैसा नहीं करना है। मैंने भाई बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया कि फुल डे काम हो, राजू भाई को मैंने बहुत समझाया बट नहीं हो पाया। कोई नहीं, इसलिए 1-2 दिन डिले हो रहा है काम, बट अभी परफेक्ट पूरा दिन काम करना है हमको, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मतलब वैसे तो फैब्रिकेशन वाले तो बहुत सारे मिल रहे हैं, बट ऐसा बंदा चाहिए हमको कि पूरा नॉलेज हो, पहले काम किया हुआ हो, एंड हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो पूरा समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए। तभी प्रोजेक्ट हमको तो आइडिया है कि क्या करना है, कौन सा चीज़ कहाँ पे लगाना है, हमको पूरा आइडिया है, बट थोड़ा बहुत नॉलेज होता है ना बंदों को, बहुत ही ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलता है कि मतलब हमसे भी कोई मिस्टेक हो तो वो सामने से हमको गाइड कर सकता है, एंड उसको भी कोई मिस्टेक हो तो हम भी गाइड कर सकते हैं। वैसा काम होना चाहिए, तभी मज़ा आता है काम करने में। तो इसके लिए चलो कोई नहीं, कोई बंदा ढूंढेंगे एंड काम हमारा कंटिन्यू करवाएंगे। बस 1-2 दिन में हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे, कोई ना कोई बंदा ढूंढ लेंगे, काम कंटिन्यू करवाएंगे। हम काम करेंगे तो वीडियो कौन बनाएगा, एडिट कौन करेगा, एंड सब सामान लेने के लिए कौन जाएगा? इसके लिए मैं खुद काम कर नहीं पाता, छोटा मोटा काम तो मैं कर लेता हूँ, कोई वॉल बॉल लगाना रहा एंड कुछ पकड़ के रखना रहा सामान, कुछ काम कर रहा हो तो मैं कर सकता हूँ, मैं तो करने को मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो काम है वेल्डिंग करना, वो सब करना अपने से कैसे होगा? तो वही दिक्कत है, सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है, A to Z सामान यहाँ पे आ चुका है, मेरे पास कुछ नहीं था वर्कशॉप पे, एक भी टूल्स नहीं थे, तो A to Z टूल्स में लेके आया। मैंने पूरा डेमो भी बाइक कर लिया था, आपको पता है बहुत ही महंगा पड़ा है मुझे डेमो, तो भी मैं डेमो लिया है कि काम हमारा ईजी हो, बट फुल डे हमारा काम नहीं हो पाता था। इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई अच्छा बंदा मिले, फुल डे काम करे, इसलिए बात जा रही है। मैं हरीश भाई, स्वेत भाई, सब लोग देख रहे हैं एंड देखो हमारा काम कितना हुआ था एंड कहाँ पे स्टॉप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो हमने इतना काम करके रखा था एंड वहीं पे हमारा काम स्टॉप हुआ है। एंड वो जो सॉकर लगाया हुआ है, वो सॉकर, ये वाला सॉकर अभी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ से ऊपर आ रहा है, ये अंदर होना चाहिए, तो इसको चेंज कर देंगे अभी टेम्परेली, तो काम स्टार्ट करेंगे, ऐसा बनाए वैसा सब यहाँ पर बनाएंगे, उसके बाद करते आगे प्लान। बट चेंजेस का काम कुछ इतने तक हुआ है हमारा, देख लो अभी हमारा काम कंटिन्यू होगा, बस जैसे बंदा आ जाए काम कंटिन्यू हो जाएगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि बहुत जल्द हमारा काम कम्प्लीट हो। तो गाइस मुझे आपको ये बताना था कि इसके लिए 2-3 दिन का हमारा डिले हुआ, मतलब हमको जो हमारी 150 तो बनानी है, 150 तो बनेगी, कुछ भी करके हम प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करेंगे ही एंड आपको मज़ा तो आएगा ही। तो आज के लिए इतना ही, अभी हम ढूंढ रहे बंदा, जा रहे यहाँ वहाँ, ट्राई कर रहे, अभी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।